जहां एक तरफ लालू यादव की तबीयत खराब है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी तबीयत खराब है। जहां लालू यादव की किडनी की समस्या है, वहीं बिहार बीजेपी को लिवर, किडनी, गुर्दा, जिगर, फेफड़ा और दिमाग, हर चीज की समस्या है। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं राजनीतिक, वो कह रही हैं। एक तरफ रालोसपा खुद एनडीए में है और एनडीए के खिलाफ लगातार बोलती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी एनडीए में समस्याएं कम नहीं खड़ी की हैं। बिहार भाजपा और बिहार एनडीए की बात की जाए तो सब कुछ ठीक नहीं है, समस्याएं इतनी है कि सुलझाने जाए तो चुनाव खत्म हो जाए, मगर चुनाव तो मात्र 6 महीने बचे हैं। ताजा वाक्य बताते हैं आपको। आज मैं क्यों आप लोगों के समक्ष हूं, आज मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए हूं क्योंकि सिवान में एनडीए में फिर से घमासान हो गया है। सिवान के जो सांसद है ओम प्रकाश यादव, उन पर आरोप लगाया है बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने कि वो उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करा दिया है सिवान के दरौली थाना में और ये कहा है कि उन्हें जान की खतरा है। जान का खतरा उन्होंने अपने ही पार्टी के सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव पर लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि कुछ दिन पहले जब दिल्ली से सिवान आ रहे थे, इस बीच रात के 2 बजे उन्हें एक अननोन नंबर से फोन आया। ये नंबर ट्रैकेबल नहीं था क्योंकि इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज से ये कॉल आया था और इंटरनेट के कॉल के होने की वजह से वो ट्रैक नहीं कर पाए कि आखिर ये किसने कॉल किया था। कॉल करने वाले ने उन्हें कहा कि आप ओम प्रकाश यादव की जो क्रियाकलाप है उसकी निंदा ना कीजिए, आप उनके द्वारा किए गए कार्यों के खिलाफ मत बोलिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करते रहूंगा, मैं सत्य के साथ रहूंगा। इसके बाद दोबारा फिर फोन आता है और उसके बाद उन्हें कहा था कि अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आपकी हत्या की जाएगी। हत्या करने वाले ने यह नहीं बताया कि उसका नाम क्या है, ना ही उसने यह बताया कि ओम प्रकाश यादव के साथ है। मगर इस तरह की घटना होती है, वो भी एनडीए में, खासतौर पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के ही एमएलसी हैं और बीजेपी के ही सांसद हैं और दोनों एक ही जगह के, सिवान के हैं। सिवान में शहाबुद्दीन का एक दौर था, शहाबुद्दीन के दौर में सिवान को कहा जाता था कि अपराधियों का गढ़ था, मगर आज भी परिस्थितियां बदली नहीं है। आज भी सिवान में भले भाजपा के सांसद हो, मगर भाजपा के एमएलसी के साथ जब ऐसा हो जाता है और वो आरोप लगाते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं कि सांसद उनको मरवाना चाहते हैं, तो सोचिए कि जनता का हाल क्या होगा, जनता किस परिस्थिति में सिवान में रह रही होगी। न्यूज बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।